अभी तक मांगे जरूर पूरी नहीं की गई है, लेकिन इस हमारे आदिवासी समाज बिल्कुल भी किसी तरह का हताश या उदास या नाराज नहीं है। हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं इस आदिवासी सरना धर्म कोड के लिए, और आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर में इतने विशाल संख्या में जो धरना दे रही है, ये हमारी एक पॉजिटिव सोच को लेकर आए हैं कि वर्तमान में ना सही लेकिन भविष्य में हमें सरना धर्म कोड जरूर मिलेगी। अभी तक नहीं हुआ है ना, ऐसा परिणाम नहीं मिल रहा है। हाँ। आस में रहेंगे आप लोग, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इसी उम्मीद और इसी आस के साथ जंतर मंतर में या तो ये रामलीला मैदान में, तो तमाम भारत सरकार को हमेशा समय समय पर इस चीजों से अवगत कराएंगे कि हम आदिवासी सरना धर्म वासियों को अलग से सरना धर्म कोर्ट की मान्यता मिले, और इसके लिए जितना संभव हो सके हर संभव हम लोग आगे जाने के लिए संघर्ष करने के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे। सरकारी सुविधा मुहैया कराई जाती है आप लोगों को? सरकारी सुविधा मुहैया कराई है अलग मैटर है, ये अभी जो यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रही है धार्मिक मामला है, तो आप देख रहे हैं कि भारत में जो करीब करीब कितने भी धर्म है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने अपने धर्म कोड सबको मिला है, लेकिन ऐसे क्या नौबत है, ऐसी क्या मुसीबत है सरकार को जो कि आदिवासियों को आज तक सरना धर्म कोड नहीं दे पा रही है। इस चीज़ के लिए सरकार को खुद मंथन करना पड़ेगा। आज उनको आज घर घर टोला टोला गाँव गाँव से हर स्टेट से हर जिला से यहाँ जंतर मंतर में सरना धर्म कोड की मांग के लिए जिस तरह से भीड़ उमड़ के आई है, ये आवाज और ये भीड़ केंद्र सरकार को जगाने के लिए आई है, और जगाने के लिए आई है इसका मतलब केंद्र सरकार आदिवासियों के प्रति निरंकुश है। आज तक इतनी मांगे होने के बावजूद भी आज तक सरकार आदिवासियों को सरना धर्म कोड नहीं मिला, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और जब तक नहीं ये धर्म कोड नहीं मिलेगा निरंतर प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति बना दिया, राष्ट्रपति बने को कितना दिन हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना हो रहे हैं। हम राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपेंगे, प्रधानमंत्री को भी, हर गृह मंत्री को भी, सबको, लेकिन अब राष्ट्रपति बनी है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, हर आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात है, लेकिन हम आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को भी इस आपके चैनल के माध्यम से मैसेज या आवाज़ देना चाहेंगे कि इस काम के लिए हमारी मदद करें और पहल करें। पर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, आप कह रही है सरना कोड लाया जाए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हाँ। आप बताइए, आप पत्रकार महोदय है, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हाँ। तो आप बताइए क्या है, आप बताइए ना, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हाँ। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? सारे हिंदू हो जाए, सारे हिंदू हो जाए। हाँ। हिंदू हो जाए मतलब जबरदस्ती है? हाँ। जबरदस्ती है, आप जबरदस्ती कीजिएगा कि हमको हिंदू बनाइएगा? जो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता है वो हिंदू नहीं है, भारतीय नहीं है। ये कौन बोलता है? हाँ। कौन बोलता है हिंदू राष्ट्र की जो बात करता है? कौन बोलता है हिंदू राष्ट्र की जो बात करता है? तो कौन बोलता है? कौन बोलता है नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात कौन बोलता है? आरएसएस बीजेपी कौन है? कौन है ये आप ही से? नहीं, हमने आपसे पूछ रहा, पत्रकार महोदय, आरएसएस बीजेपी कौन है? सवाल पूछा हुआ आपसे, कौन है? नहीं, कौन है ये बताइए, आरएसएस बीजेपी कौन है? हाँ। आप बताइए कौन है? क्या आरएसएस बीजेपी क्या हमें धर्म कोड देगी? हमें केंद्र सरकार, केंद्र में कोई भी सरकार है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी है, हमको हर केंद्र सरकार से हमें मांग करना है कि सरना धर्म कोड मिले। तो दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र बनने से? तो आप ये बताइए कि हिंदू है क्या चीज, हिंदू राष्ट्र क्या चीज है? हिंदू राष्ट्र क्या चीज आप उसके बारे में हमें बताइए, अगर हम उसे संतुष्ट है तो हम उसको अपनाने को लाजिए। आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र क्या है? मंदिरों में जाएंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो संपूर्ण जितना भी सिख मुस्लिम ईसाई है बाकी जो समुदाय है इन धर्म को भी हटाइए, आज उनको आप अस्तित्व में रख रहे हैं और आदिवासी सरना धर्म कोड को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं, क्यों? पर लोग तो मंदिरों में जा रहे हैं। कौन जा रहा है? हाँ। कौन जा रहा है? सारे लोग मंदिर में। कौन जा रहा है? हम तो नहीं जा रहे। हाँ। हम तो नहीं जा रहे। कौन जा रहा है? झारखंड में भी हम लोग को। कौन जा रहा है मंदिर में? असम में और छत्तीसगढ़ में। जितने भी समुदाय के लोग हैं सारे। कौन जा रहा है? कोई मुसलमान गया है मंदिर में? कोई मुसलमान गया है? गया है? बताइए गया है कोई मुसलमान मंदिर में? नहीं जाएंगे मंदिर। हम नहीं जाएंगे। आप यह बताइए, आप बोल रहे हैं सभी लोग मंदिर जा रहे हैं, कोई मुसलमान या कोई ईसाई मंदिर में गया है? घंटा बजाने गया है कोई? गया है? आप बताइए गया है कोई? आप हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या संपूर्ण भारत में केवल हिंदू है? सरकार बात कर रही है, तो सरकार बात कर रही है, तो सरकार क्यों बात कर रही है, इसका जवाब आपके पास है?
तो बताइए ना दिक्कत क्या है। सरकार इसलिए बोल रहे, सरकार अपनी सरकार ये जो बीजेपी आरएसएस की कठपुतली है और कुछ नहीं है, ये लोकतंत्र को लोकतंत्र का गला घोंटने वाली सरकार है जो आरएसएस बीजेपी, ये लोकतंत्र का गला घोंटने वाली है और एक निरंकुश सरकार है जिससे कि जो नीचे दबे कुचले दलित आदिवासी लोगों की आवाज को चलती है सरकार संविधान को आप तो संविधान से कौन संविधान से चला रही है सरकार कौन सरकार बीजेपी अगर संविधान से चला रही है संविधान के आर्टिकल 25 क्या कहती है आर्टिकल 25 ये कहती है कि सभी को धार्मिक आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल जब होनी चाहिए तो हमारी संविधान कोर्ट कहे नहीं दे रही है क्यों नहीं दे रही है तो संविधान का उल्लंघन कौन किया आप बताइए संविधान का उल्लंघन कौन किया ठहरा रहे हैं मोदी हाँ बिल्कुल ठहरा रहे हैं हाँ जब आप संविधान की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 25 पढ़िए कि सभी को धार्मिक आजादी मिली है तो आदिवासियों की धार्मिक कहाँ है धार्मिक आजादी कहाँ है संवैधानिक तरीके से ही तो पद पे बैठाया राष्ट्रपति जी को संवैधानिक तरीके से तो एक आदमी को आप संवैधानिक पद पे बैठाइएगा क्या संपूर्ण आदिवासियों का यह हो जाएगा सबका भला हो जाएगा मोदी जी से नहीं बिल्कुल नहीं नहीं चाहते राष्ट्रपति बनती मोदी जी राष्ट्रपति बने कोई भी मोदी बने राष्ट्रपति बने कोई भी बने क्योंकि हमारी ये मांग है कि संपूर्ण आदिवासी जो जितने भी संघर्ष कर रही है जंतर मंतर अपने धरना दे रही है सनातन धर्म कोड के लिए वो कोई भी सरकार बने बीजेपी बने कांग्रेस बने कोई भी बने लेकिन हमारी मांगे निरंतर रहेगी कि हमें आदिवासी सनातन धर्म कोड की मिले हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे हिंदू राष्ट्र बने या ना बने लेकिन हमें आदिवासियों को सनातन धर्म कोड जरूर चाहिए और सरकार अगर नहीं देती है संवैधानिक तरीका से हम लोग यंत्र मंत्र में रैली जो प्रदर्शन करके आए हैं उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं देती है तो इसके लिए आगे की रणनीति तय होगी और ये रणनीति वक्त टू वक्त सरकार को हम अवगत जरूर कराएंगे।